ऋग्वेद को समर्पित उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव, यहां घोषणा हो रही थी कि तीन दिन यहां मंथन हुआ है और मंथन के बाद अमृत मिला है, तो मैं भी इस अमृत को लेने के लिए आया हूं। कुछ बंद मेरे नसीब में भी आएंगे। अब पूरा कुंभ भर करके अमृत मिलने की संभावना रही है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, आपके इस बार की एक थीम है कि चैलेंजेस, ऐसा ही है ना कुछ? आपने बहुत सारी बातें की होगी, लेकिन मुझे सबसे बड़ी चैलेंज लगती है वो ये लग रही है कि हम जो आयुर्वेद क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं वही सबसे बड़ी चैलेंज है। शत प्रतिशत आयुर्वेद को समर्पण, ऐसे आयुर्वेद के डॉक्टर मिलना मुश्किल हो गया है। उसको खुद को लगता है भाई अब इससे तो कुछ चलने वाली गाड़ी नहीं है, अब तो एलोपैथी के रास्ते पर जाना ही पड़ेगा। वो पेशेंट को भी बता देता है कि ऐसा करते हैं, शुरू के तीन दिन तो एलोपैथी ले लेते हैं, बाद में आयुर्वेद का देखेंगे। मैं समझता हूं कि आयुर्वेद के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती ये मानसिकता है। अगर आयुर्वेद को जानने वाले व्यक्ति आयुर्वेद के प्रति प्रतिबद्धता नहीं होगी, उनका समर्पण नहीं होगा, आत्मविश्वास नहीं होगा, तो वो पेशेंट में विश्वास कैसे भर पाएंगे? हम जब छोटे थे तो एक चुटकुला सुना करते थे कि कोई यात्री किसी शहर में गया और किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गया और फिर उसने पूछा मालिक कहाँ है, उसने कहा मालिक सामने वाली होटल में खाना खाने गए। तो उस रेस्टोरेंट में कौन खाएगा? जिसको अपनों पर भरोसा नहीं है, अपने पर भरोसा नहीं है, अपनी परंपरा पर भरोसा नहीं है, तो औरों पे भरोसा नहीं जगा सकते। संकट आयुर्वेद का नहीं है, संकट आयुर्वेद वालों का है। ये बात मैं नहीं जानता हूं आपको अच्छी लगी कड़वी लगी, लेकिन कड़वी लगी तो मैं समझता हूं कि मैं पूरी तरह आयुर्वेद के सिद्धांतों के आधार पर बोल रहा हूं कि आयुर्वेद के सिद्धांतों में कड़वा जो होता है अल्टीमेटली मीठा बना देता है। बहुत से लोगों से मैं मिलता हूं, बहुत से लोगों से बातें करता हूं। मैं पिछली बार एक बार जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था तो मैंने पूरे देश में ऐसे आयुर्वेद के विशेषज्ञों को बुलाया था। अब जो कि वो समय तो वो मेरा क्षेत्र नहीं था, एक राज्य का काम करता था, लेकिन आयुर्वेद के प्रति एक जागरूकता की आवश्यकता थी। आयुर्वेद एक ऐसा क्षेत्र नहीं है कि वो एक सर्टिफाइड डॉक्टर तक सीमित हो। हमारे पूर्वजों ने स्वास्थ्य को जीवन का एक हिस्सा बना दिया था। आज हमने
जीवनचर्या और स्वास्थ्य के लिए कहीं आउटसोर्स किया हुआ है। पहले स्वास्थ्य को आउटसोर्स नहीं किया गया था, उसकी जीवनचर्या का हिस्सा था और उसके कारण हर व्यक्ति हर परिवार अपने शरीर के संबंध में जागरूक था, समस्या आए तो उपाय क्या उस पर भी जागरूक था। और उसका अनुभव आज भी आपको होता होगा, कभी आप रेल में या बस में ट्रैवल करते हो और मान लीजिए कोई बच्चा बहुत रो रहा है तो आपने देखा होगा कि कंपार्टमेंट से 12-15 लोग वहां आ जाएंगे और तुरंत ऐसा करो इसको ये खिला दो, दूसरा कहेगा ये खिला दो, तीसरा कोई पुड़िया निकाल के जेब में से दे देगा उसके मुंह में ये डाल दो। हम पूछते तक नहीं है कि आप डॉक्टर हैं कौन है कुछ नहीं, लेकिन जब वो कहता है तो हमें भरोसा होता है, हाँ यार बच्चा चिल्ला रहा रो रहा है तो हो सकता है उसको ये तकलीफ होगी और ये दे देंगे तो बच्चा रोना बंद कर देगा और उसको शायद राहत हो जाएगी। ये अक्सर हमने रेलवे में बस में ट्रैवल करते हुए देखा होगा कि कोई ना कोई मरीज को कोई बीमारी हुई तो कोई ना कोई पैसेंजर आकर के उसका उपचार कर देता है जबकि वो डॉक्टर नहीं है, नहीं वो वैद्यराज है, ना कहीं जामनगर की आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में जाकर के आया है। पर चूंकि हमारे यहां ये सहज स्वभाव बना हुआ था, परंपरा से स्वभाव बना हुआ था और इसलिए हमें इन चीजों का कुछ न कुछ मात्रा में समझ थी। धीरे धीरे हमने पूरा हेल्थ सेक्टर आउटसोर्स कर दिया, कुछ भी हुआ तो कहीं से एडवाइस लेनी पड़ती है, कंसल्टेशन करना पड़ता है और वो फिर जो कहे उस रास्ते पर चलना पड़ता है, ठीक हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो दूसरे के पास चले जाते हैं, कंसल्टेंसी बदल देते हैं। इस समस्या का समाधान, इसकी पहली आवश्यकता ये है कि मैं अगर आयुर्वेद क्षेत्र का विद्यार्थी हूं या मैं आयुर्वेद क्षेत्र का डॉक्टर हूं, मैं आयुर्वेद क्षेत्र का टीचर हूं या मैं आयुर्वेद क्षेत्र में मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग करता हूं या मैं होलिस्टिक हेल्थ केयर को प्रमोट करने वाला हूं, मैं किसी क्षेत्र से हूं, उसमें मेरा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, मेरी 100% प्रतिबद्धता होनी चाहिए। और अगर हम 100% प्रतिबद्धता लेकर चलते हैं आप देखिए परिणाम आना शुरू हो जाएगा। कुछ न कुछ कारण, नेगेटिव कारण ऐसे पैदा हुए हैं कि जिसके कारण परेशान लोग, थके हारे लोग जिस रास्ते पर चल पड़े थे वहां से वापस लौट करके बैक टू बेसिक तरफ जा रहे हैं होलिस्टिक हेल्थ केयर के नाम पर। उनको लग रहा है कि भाई आज का जो मेडिकल साइंस है शायद तुरंत हमें राहत तो दे देता होगा लेकिन स्वास्थ्य की गारंटी नहीं देता है।